आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना फारूक है। मैंने MBBS इलाम इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से फेलोशिप की डिग्री हासिल की। मैं पिछले 15 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज इस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो है कि पेशेंट्स अक्सर होते हैं जिनको डायबिटीज़ डेवलप हुई होती है, जिनको शुगर हुई होती है, वो कहते हैं कि क्या हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। मैं इन सब बातों को आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। बिल्कुल, डायबिटीज़ आपके लिए ये नहीं है कि आप प्रेगनेंसी ना करें, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि आप अगर पहले से डायबिटिक हैं। कुछ पेशेंट्स पहले से शुगर उनको होती है जो कि यंग एज में डेवलप हो जाती है, और बहुत सारे और कुछ पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर डेवलप हो जाती है, नहीं फर्स्ट टाइम उनकी डायग्नोज होती है। जिनको शुगर पहले से होती है उनका ये होता है कि उनको अपनी प्रेगनेंसी जब वो प्लान करते हैं तो 3 महीने पहले अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो और डायबिटिक जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो दोनों मिलके आपकी शुगर को चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल है, आपकी बाकी किसी बॉडी के ऑर्गन या हिस्से पे शुगर इफेक्ट तो नहीं की हुई, और उसका आपका कंट्रोल कैसा है। जब इसके लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 6% से कम होनी चाहिए जब आपकी प्रेगनेंसी हो। ये बहुत ज़रूरी है जिनको ऑलरेडी शुगर डायग्नोज होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी आपकी बॉडी के अंदर स्टार्ट होती है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स आपकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा आपने प्लान्ड प्रेगनेंसी आपने करनी होती है। कुछ मेडिसिन आपको एडवाइस की जाती हैं वो आप 3 मंथ्स लेते हैं, फिर आपकी प्रेगनेंसी होती है तो आप अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ, अपनी डायबिटिक जो कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके अपनी प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं। क्योंकि इसमें इनिशियली हमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हो सकता है कि मिसकैरेजेस ना हो जाएं, हो सकता है कि कोई एनोमली मींस के बच्चा नॉर्मल डेवलप ना कर रहा हो, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो रही हों, तो उसको हमने विद द टाइम अपने अल्ट्रासाउंड, अपने क्लिनिकल उसके क्लिनिकल ग्राउंड के ऊपर, और हमने कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जो हमने अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिसाइड करने होते हैं, तो लिहाजा वो आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन और आप मिलके अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी की हमने फॉर्म में इसको कंटिन्यू रखना है। इस दौरान आपकी जब डायबिटीज़ होती है तो आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है, जिसमें आपने लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट आपकी शामिल होनी चाहिए, हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए। आपने कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना ज़रूरी है, किसी किस्म का इन्फेक्शन लाइक यूरिन रिट्रैक्ट इन्फेक्शन, लाइक जो छोटे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत कॉमन होते हैं जो कि शुगर वाले पेशेंट्स में होता है, जो कि ये सब जो इन्फेक्शंस होते हैं ये जब आगे प्रेगनेंसी जाती है तो वो प्री टर्म लेबर वर्क से पहले पेन स्टार्ट करने की वजह बनते हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड्स की भी एक डिवाइड होते हैं कि आपने एक 18 से 20 हफ्ते के बीच में एनोमली स्कैन बहुत ज़रूरी है वो करवाना, ताकि वहाँ देखा जाए कि आपका जो प्रेगनेंसी, जो आपका बेबी है वो, उसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल है, और आपने अपनी शुगर किस तरह से मॉनिटर करनी है और शुगर के लिए क्या मेडिकेशन करनी है, ये आप अपनी प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, खाना खाने के बाद आपने हल्की सी वॉक ज़रूर करनी है, अपनी डाइट को डाइट चार्ट डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस के अकॉर्डिंग आपने अपनी डाइट को मेंटेन करना है, ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखते हैं। जहाँ आपके लेवल्स अनकंट्रोल होते हैं कि मतलब आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो वहाँ आपकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब आपकी प्रेगनेंसी आगे जाती है तो वो ग्रोथ फैक्ट्स होना शुरू हो जाती है, बेबी आपका बड़ा होना शुरू हो जाता है लेकिन उसके अंदर फेफड़ों की मेच्योरिटी इतनी डेवलप नहीं हो पाती, तो बेबी बड़ा होता जाता है, तो अगर उस लेवल पे भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए तो आपकी बेबी की ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन हो, लाइक समटाइम किसी फीमेल में बच्चे के गिर जो वाटर बैग होता है उसमें पानी ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाता है, उसकी भी डिफरेंट वजूहत होती हैं, उसको देखकर और शुगर को कंट्रोल कर उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है।
इसके अलावा मेडिकेशन जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ है वो इंसुलिन, अगर पेशेंट को पहले से शुगर है और पेशेंट जो है वो ओरल मतलब अपनी दवाई खाने वाली लेती हैं शुगर के लिए, तो जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी होती है और अपनी वो शुगर मॉनिटर करते हैं, शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है, तो उनको इंसुलिन इंजेक्शंस की फॉर्म में उनको देने पड़ते हैं। और इंसुलिन सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब आपके बच्चे के लिए और आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। उसकी जो डोज है कि आपने कितनी लगानी है वो डायबिटिक क्लिनिक जो वहाँ के कंसल्ट फिजिशियन होते हैं वो इस आपकी डोज को एडजस्ट करते हैं आपकी वेट के लिहाज से, आपकी जिस वीक्स या जिस मंथ्स में आपकी प्रेगनेंसी होती है उसके अकॉर्डिंगली आपकी डोज और इंसुलिन की एडजस्ट की जाती है, ताकि आपकी कंट्रोल ब्लड शुगर के साथ आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। आपकी जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है फिर आपका ये फैसला करना होता है कि आपकी डिलीवरी किस टाइम पे होनी चाहिए और किस वैसे होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए या सिजेरियन होना चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती हैं 37 जो 37 हफ्तों के अराउंड जाकर, जब मदर और बेबी को दोबारा चेक किया जाता है और फिर ये फैसला किया जाता है कि आपकी डिलीवरी कब प्लान करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ स्टार्ट से ही, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हो, आपके रूटीन के एंटीनेटल विजिट्स के साथ, ये चीज़ें डे टू डे मॉनिटरिंग के साथ हम आपकी प्रेगनेंसी को 9 महीने की प्रेगनेंसी, ताकि आपका बच्चा हेल्दी और अलाइव बेबी आपका डिलीवर हो। और इस तरह से डायबिटीज़ मदर के लिए साथ जो बच्चे डिलीवर होते हैं, डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो ऐसे डिलीवरी सेटअप पे होनी चाहिए, घर में डिलीवरी को अवॉइड करना चाहिए, ताकि जो प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें बच्चे का हेड बाहर होता है, उसके शोल्डर फंस जाते हैं, वो डिलीवर नहीं हो पाते, कभी कभार इंस्ट्रूमेंट्स लगाने पड़ जाते हैं और कभी कभार सिजेरियन करना पड़ता है, इवन डिलीवरी के बाद पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशन जिसे हम प्राइमरी बीपी जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ डेवलप हो सकती है। तो लिहाजा और समटाइम्स उसके बाद आपने हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी को प्लान करना होता है, और डिलीवरी के बाद कुछ पेशेंट्स में अगर प्रेगनेंसी के दौरान नई शुगर डायग्नोज होती है तो वो डिलीवरी के बाद सही हो जाती है, नॉर्मल लेवल में आ जाती है, उसको मॉनिटर किया जाता है डिलीवरी के 40 डेज़ के बाद, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी शुगर अब ख़त्म हो गई है या स्टिल आपके अंदर वो शुगर है। ये ऐसा केस जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फर्स्ट टाइम शुगर डायग्नोज होती है, तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी की जाती है तो उसमें भी आपके अंदर ये डायबिटीज़ या शुगर डेवलप होने का रिस्क होता है। सो लिहाजा आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे अपने डॉक्टर और डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट के साथ, ताकि आप भी हेल्दी हों और आपके बेबी भी हेल्दी हो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस टॉपिक के बारे में या प्रेगनेंसी के किसी भी और इशू के बारे में मेरी कंसल्टेशन आपको दरकार हो तो आप इन पर्सन और ओला डॉग के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।